मंडी के पड्डल मैदान में 30 मई यानी कि सोमवार को ईट राइट मेला आयोजित किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में लगने वाले इस एक दिवसीय मेले का उद्देश्य लोगों को उत्तम आहार को लेकर जागरूक करना है। ये जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने मेले की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता में दी। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालयों में ईट राइट मेले का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 30 मई को मंडी में FSSI के साथ मिलकर मेले के आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग मंडी को नोडल विभाग बनाया गया है। उनके अलावा अन्य सभी संबंधित विभागों की भी सहभागिता तय बनाकर उनका पूरा सहयोग लिया जाएगा। जतिन लाल ने कहा कि लोगों को बीमारियों से निजात मिले और वे स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें, स्वाद के साथ सेहत भी और पौष्टिकता पर ध्यान दें, यही मेले का मुख्य मकसद है। उन्होंने मेले की सफलता के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हमारे मंडी जिला में हमारे ईट राइट मेले का आयोजन हमने 30 मई को तय किया है। जो हमारा ईट राइट मेला है, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो मंडी की जनता है उन सब में अच्छे खान पान, अच्छे रहन सहन और अच्छे लाइफस्टाइल का हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक अवेयरनेस फैला सकें और उनको अच्छे खाने पीने के जो भी फ़ायदे हैं उनके बारे में बता सकें। इस मेले में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश करी है, जो अच्छा खाना पीना और अच्छे तरीके से किस तरह से जो खराब खाने पीने की आदतें हैं उनको हटाने के बारे में बताएंगे, और कई एक्सपर्ट्स आएंगे जो अपने नॉलेज लोगों से शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि अच्छे खाने पीने के क्या क्या फ़ायदे रहते हैं। तो मेरा सभी मंडी के लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेले में आए और यहाँ पर जो भी स्टॉल्स लगे हैं उनमें जो अच्छा खाना पीना है उसको ट्राई करें, और अपनी लाइफ में भी डेली तौर पर एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना पीना खाएं और अपनी सेहत का ध्यान दें, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा जो हमारा शरीर है ये हमारा एक मंदिर है। जब तक हम उसको उस तरीके से नहीं मानेंगे हम अच्छा खाना पीना नहीं अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो सभी लोगों से ये अपील है कि अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करें, सेहतमंद खाएं और डेली तौर पर कुछ ऐसा करें जिससे आपके शरीर में जो लाइफस्टाइल है उसमें एक हेल्थ प्रमोट हो सके, और एक्सरसाइज करें। धन्यवाद।